अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी ने हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने भगवान हनुमान की परिक्रमा की, अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 22 जनवरी को, जैसा कि आपको ज्ञात है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बड़ा आयोजन, विशेष समारोह, और इस समारोह को लेकर के जितनी तैयारियां की गई हैं उनकी समीक्षा करने पहुंचे हैं अयोध्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ देर पहले हनुमान गढ़ी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की, परिक्रमा की, और अब तमाम समीक्षा से जुड़े कार्य जो हैं वो करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे, अंतिम चरण की जो तैयारियां रह गई हैं उनकी समीक्षा करने पहुंचे हैं अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। साल में ये तीसरा मौका, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और ये तीसरी मर्तबा है इस साल में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। मौका खास है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन, 8,000 से ज्यादा मेहमान इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे, 510 को स्टेट गेस्ट होने का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में तैयारियों में कहीं कोई चूक ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इन तमाम चीजों को आश्वस्त करने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद तमाम तैयारियों की समीक्षा उनके द्वारा की जानी है। आपको बता दें, अधिकारियों के साथ आज कई बैठकें उनके द्वारा होंगी, टेंट सिटी का मुआयना करने के लिए भी पहुंचेंगे। तो लगातार जितनी तैयारियां की गई हैं, जो भी विकास के कार्य हैं, हर एक चीज को खुद जा करके इंश्योर करना चाहते हैं यूपी के सीएम कि कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई चूक, कहीं कोई कमी ना रह जाए। आज अयोध्या के दौरे पर है एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, हनुमानगढ़ी पहुंचे, यहां पर पूजन दर्शन किया, मंदिर की परिक्रमा की, और अब अधिकारियों के साथ तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसका जायजा लेने पहुंच रहे हैं, समीक्षा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी आए, दर्शन पूजन किए, क्या बातचीत हुई? पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। लगातार महाराज जी के मर्यादा में रहता है कि राम जी से पहले हनुमान जी, और अयोध्या कैसे भव्य दिव्य नव बने, इसके नाते अयोध्या हनुमानगढ़ी आना, आने के बाद संतों के साथ सानिध्य लेना और चर्चा करना और क्या किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। महाराज जी से चर्चा हुई कि महाराज जी और क्या अच्छा हो सकता है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उससे पहले समीक्षा बैठक, दर्शन, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथों बाकी है। आज का जो दिन है बहुत ही विशेष है, आप लोगों ने देखा होगा कि आज रात्रि में फोटो बाहर वो आई है, जिस पल की प्रतीक्षा थी, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी, जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम उस गर्भगृह में पधराए गए, और पुनः आज मुख्यमंत्री जी का आना, आने के बाद वो 22 की तैयारी, किस प्रकार से उसकी समीक्षा बैठक और कैसे व्यवस्थाओं ठीक की जाए, अच्छी की जाए, अयोध्या कैसे और खूबसूरत लगे, इस सारी चीज पर चर्चा होगी। और आपको बता दें, भारत एक्सप्रेस की टीम अयोध्या में चप्पे चप्पे पर मौजूद है, और आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा के साथ, जो अयोध्या में मौजूद भी हैं और तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो खूबसूरत रंग वो देख रहे हैं अपने कैमरे के जरिए वो आप तक भी पहुंचा रहे हैं रिकॉर्ड करके, उनकी टीम, उनके तमाम जो उन्होंने देखा, जो समझा, जो महसूस किया, वो हम आपको दिखाने बताने जा रहे हैं। कृष्ण मोहन, मैं आपका रुख कर रही हूँ, यहाँ पर समझना चाहूंगी, लगातार हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, खूबसूरत रंग है, अद्भुत छटा है, राममय पूरा माहौल है, और हर एक राम नाम की गूंज है। यहाँ पर आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? राम की पैड़ी मुझे बताया गया है, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि खबर ये मिली थी कि अब आज दोपहर बाद से यहाँ पर लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और इस वक्त वहां पर और क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं?
राम की पैड़ी पे मैं इस समय हूँ और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। जो सबसे पांच महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बता दूं कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको SPG ने और NSG ने अपने अंदर में ले लिया है। 5 टीयर सुरक्षा है। सबसे लोकल लेवल पे LIU को लगाया गया, उसके बाद PCC को लगाया गया, उसके बाद CRPF को लगाया गया, उसके बाद जो NSG है और NSG के बाद जो तमाम एजेंसी है, तो 5 टीयर सिक्योरिटी है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि ये लता मंगेशकर चौक है, अब से आधे घंटे पहले यहाँ पे, आधा घंटा नहीं, एक घंटा पहले यहाँ पे इतनी गतिविधियाँ थी कि आप चल नहीं सकते थे, लेकिन अब पूरा सन्नाटा है। और सन्नाटा इस बात को लेकर है कि अब से ठीक 72 घंटे बाद यहाँ पे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि दिखाए जिस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लता मंगेशकर चौक है और उनके वीरा यहाँ पे रखी हुई है। वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से वो लोग भी खिसक रहे हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। अब ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए मैंने बताया कि 5 टीयर सिक्योरिटी की गई है और फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी गई है और अब मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक छोटा सवाल और कृष्ण मोहन, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं समझना चाहती हूँ, जैसा कि आपने मुझे बताया कि धीरे धीरे लोग अब हट रहे हैं क्योंकि एजेंसीज ने अब टेक ओवर कर लिया सिक्योरिटी के लिहाज से। जो लोग अयोध्या में दूसरे राज्यों से आए हैं दर्शन पूजन के लिए, क्या जानकारी ये मिल रही थी कि लोगों को शायद वहाँ रहने भी नहीं दिया जाएगा, होटल्स को भी खास इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको लेकर की क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लोगों का लगातार अयोध्या आना बना हुआ है। देखिए, जो VIP बुलाए गए हैं वो 8000 VIPs हैं, 8000 VIP जिनको निमंत्रण दिया गया है और कोर्ट के जरिए उनको आने का निमंत्रण दिया गया है। दिल्ली से जो मीडिया हाउसेस हैं कुल वहाँ पे 60 से 70 लोग बुलाए गए हैं, जिसमें अपने अपने CMD को भी आना है। और यहाँ पे बात रही कि 8000 लोगों के बाद जितने भी लोग आए हुए हैं, जो दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि आप दर्शन कीजिए, आपको खुला दर्शन करने की छूट दी जाएगी, लेकिन ये आप 23 तारीख को कीजिए जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे। तो इन लोगों से विनम्रता के साथ कहा जा रहा है कि आप रामनगरी में रुकिए, लेकिन इस जगह को जो 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का मुख्य आयोजन का स्थल है, वहां पर लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट जरूर किया गया है, लेकिन 23 तारीख से दर्शन खुल जाएंगे आम लोगों के लिए। कृष्ण मोहन, तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।